रहा हूँ कुशाग्र सिंह, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि इंजन में जो लाइट्स लगी होती है उसका आखिर मतलब क्या होता है। अब आपने हमेशा इंजन में तीन प्रकार की लाइट देखी होगी, तो उन तीनों प्रकार की लाइट्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है हेडलाइट। तो जो पुराने इंजन होते थे उसमें आपने ऊपर के साइड में दो बड़ी सी लाइट देखी होगी, और जितने भी नए मॉडर्न इंजन आ रहे हैं उनमें आपने बीच में दो बड़ी लाइट देखी होगी, तो इसी लाइट को हम हेडलाइट कहते हैं। अब जब भी भैया ट्रेन रात में चलती है तो लोको पायलट को उतना विजिबिलिटी नहीं रहती है, तो रात में आगे का चीज देखने के लिए हेडलाइट दी जाती है। अब ये जो हेडलाइट होती है इसमें 24 वोल्ट का बल्ब लगा रहता है, और ये ट्विन बीम लाइट होती है जिसमें कि दो फिलामेंट लगे रहते हैं। एक होता है डिम पोजीशन फिलामेंट, जो कि नजदीक के डिस्टेंस को देखने के लिए लगाई जाती है, मतलब कि अगर पास में रहे तो जैसे आपकी बाइक में डिपर लाइट होती है वैसे ही इसमें डिम पोजीशन फिलामेंट रहता है। और वहीं अगर हम दूर का डिस्टेंस देखना चाहें तो फिर ब्राइट पोजीशन फिलामेंट लगाते हैं इंजन में, जिससे कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोको पायलट को काफी आगे का डिस्टेंस एकदम क्लियरली दिखाई देता है। अब ट्विन बीम तो आप समझ गए। अब लेकिन क्या होता था कि जब भी ट्रेन मुड़ती थी कहीं पे भी, मतलब कोई भी कर्व में, तो उस समय जो लाइट लगी रहती है उसकी डायरेक्शन सीधे की तरफ ही होती है, जिससे कि जब भी ट्रेन मुड़ती है तो लोको पायलट को क्लियरली विजिबल नहीं रहता है आगे पटरी। तो इसी को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में ही विशाखापट्टनम लोको शेड ने 4 बीम वाली लाइट बना दी, जिसमें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का भी दिखेगा। अभी फिलहाल ये सारे इंजन में नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ इंजन में ये भी लगाई गई है, जिससे कि जब भी ट्रेन मुड़ेगी तो फिर अच्छे से लोको पायलट को विजिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पर आपने हेडलाइट को एकदम अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम जानेंगे फ्लैशर लाइट के बारे में। कुछ कुछ इंजन में ये एकदम ऊपर के साइड में लगा रहता है, कुछ कुछ में हेडलाइट के बाजू में लगा रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम फ्लैशर लाइट कहते हैं। अब फ्लैशर लाइट का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये बार बार फ्लैश होती है, मतलब कि चालू होती है फिर बंद होती है। अब ये लाइट तब जलाई जाती है जब इमरजेंसी कंडीशंस लोको पायलट को फील हो, मतलब कि अगर कोई भी खतरा महसूस होता है लोको पायलट को तो उस समय पर ये लाइट को जला दिया जाता है। तो फ्लैशर लाइट जो है ये येलो कलर की रहती है, मतलब कि पीली कलर की रहती है, और ये जब भी जलती है और साथ ही साथ फ्लैश करती है तो आगे किसी का भी ध्यान आकर्षित करती है, मतलब कि आगे से आने वाली ट्रेन के लोको पायलट का ये ध्यान आकर्षित करती है। तो जिससे कि जब भी कोई लोको पायलट सामने की ट्रेन जो लेके आ रहा है अगर वो इस फ्लैशर लाइट को देखता है तो तुरंत ही अपनी गाड़ी की भी ब्रेकिंग कर देगा। अब ये जो फ्लैशर लाइट है ये उसी समय जलाई जाती है जब भी कोई खतरा महसूस हो या फिर उसकी कोई आशंका हो। अब जो न्यू मॉडर्न इंजन्स है इनमें ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलाने का प्रावधान दिया गया है। अब इसमें ऐसा होता है कि पीछे अगर पूरी गाड़ी से अचानक से अगर बीपी ड्रॉप होगा, मतलब कि ब्रेक प्रेशर ड्रॉप होगा, अब या तो ये चेन पुलिंग करने से हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो पाइप टूट जाए जो भी ब्रेक पाइप रहता है, अब एक्सीडेंट से या फिर किसी चीज के टकराने से वो टूट जाए, या फिर हो सकता है कोई काट भी दे, तो एकदम से अगर प्रेशर निकलेगा, बीपी ड्रॉप होगा पीछे से, तो उस समय पर फ्लैशर लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर लोको पायलट बीपी ड्रॉप करेगा, मतलब कि लोको पायलट जब नॉर्मली ब्रेकिंग करेगा तो उस समय पर फ्लैशर लाइट नहीं जलेगी, लेकिन अगर पीछे से बीपी ड्रॉप कभी भी होगा, अब वो गार्ड करे, चेन पुलिंग हो या फिर कुछ भी कारण हो, तो उस समय पर फ्लैशर लाइट अपने आप जल जाती है। अब ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंजन्स में ही है। जो पुराने वैक्यूम से इंजन चलते थे उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें लोको पायलट को ही ऑन करना पड़ता था। और अभी बाकी अगर लोको पायलट चाहे तो उसके पास भी एक स्विच रहता है जिससे कि वो फ्लैशर लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद इंजन के सामने में बफर्स के जस्ट ऊपर में आपने दो लाइट्स लगी देखी होगी, जो कि कभी व्हाइट जलती है या फिर रेड जलती है। इसे हम मार्कर लाइट्स कहते हैं। अब मार्कर लाइट्स ये दर्शाती है कि वो ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब भी कोई ट्रेन जाती है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उस साइड की मार्कर लाइट्स को व्हाइट जलाया जाता है। तो अगर आप सामने खड़े हैं और अगर आप कोई गाड़ी को देख रहे हैं जिसमें व्हाइट मार्कर लाइट्स जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन आपकी तरफ ही आ रही है। और वहीं अगर कोई अकेला इंजन, जिसे हम लाइट इंजन भी कहते हैं, अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो जो सामने की मार्कर लाइट्स है उसमें तो व्हाइट मार्कर लाइट ही जलाना पड़ेगा, लेकिन उसमें पीछे वाली मार्कर लाइट को रेड जला देते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अकेला इंजन है तभी पीछे की मार्कर लाइट को रेड जलाया जाता है। अगर पूरी गाड़ी रहेगी तो उसमें तो एक लास्ट व्हीकल रहता ही है जिसमें कि एक एलवी बोर्ड लगा देते हैं या फिर एक रेड लाइट जलती ही रहती है, लेकिन अगर अकेला इंजन जाता है तो उसमें पीछे के साइड में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पीछे वाले साइड में मार्कर लाइट्स को रेड जलाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मार्कर लाइट्स का भी काम क्या है। अभी फिलहाल जो नए इंजन्स हैं इसमें व्हाइट कलर की एलईडी लाइट्स लगाई जाती है, साथ ही साथ जो मार्कर लाइट्स या फिर फ्लैशर लाइट है ये भी एलईडी में लगाई जाती है। जो पहले के इंजन्स थे या फिर पहले के टाइम पे बल्ब लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब यहाँ पर एलईडी भी लगाई जाती है। तो आई होप अब आप इंजन की तीनों लाइट्स के बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।